योगा मुझे कोई भी बोलेगा तो मैं कभी भी नहीं करूंगी, बट आपने पूरा डेफिनेशन ही योगा का चेंज कर दिया। जी अक्षिता जी, वेलकम अक्षिता जी। थैंक यू मैम, मुझे भी आपको थैंक यू बोलना है पहले तो। मेरा 12 kgs रिड्यूस हुआ है ये 3 months में। कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि इतना होगा। मैंने बड़े डाइटिशियन के पास भी गई हूँ, सब किया है, जिम भी इतना किया है, इवन योगा तो मुझे पसंद ही नहीं था। मैं योगा नाम से ही दूर भागती थी। मेरी मॉम करती थी जो थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह, बट योगा मुझे कोई भी बोलेगा तो मैं कभी भी नहीं करूंगी, बट आपने पूरा डेफिनेशन ही योगा का चेंज कर दिया। मैं अभी किसी को भी बोलती हूँ योगा तो फिर लोग मेरे पे, जैसे मैं पहले बोलती थी तो मुझे सेम कमेंट मिलते। मैंने बोला आप एक बार देखो, उसके बाद आप फिर जज करना, क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्योंकि योगा सुनते ही मैं दूर भागती थी कि नहीं, योगा नहीं, मुझसे वो मेडिटेशन या ऐसा नहीं होता है। बट अब मुझसे वो सब बिगिनिंग लेवल पे तो पहुंच गई हूँ ऐसा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने जो ये अचीव किया है। फूड से बहुत प्रेम है, जितना मुझे किसी चीज से नहीं है। अलग अलग क्यूजीन, अलग अलग, बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो उस वजह से ही काफी मेरे वेट में चेंजेस भी, थोड़े बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से वो सब, बट अब बहुत बहुत ऐसे रिलीफ है। मुझे पूरा दिन मैं खाती भी हूँ, अगर मैंने कुछ ऐसे फील ही नहीं होता कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ गया है, ऐसे कुछ कैलरी, मुझे टेंशन ही नहीं होता कि कैलरी का, क्योंकि मैं मुझे मालूम है कि मैं बैलेंस कर लूंगी ऐसे करके। मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज 12 kgs मैंने कभी भी सोचा ही नहीं था कि 12 kgs होगा। मैं तो जब मेरा 5 kgs जब फर्स्ट मंथ में रिड्यूस हुआ था, तभी ही मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि 5 kgs, कभी भी वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। जब मैंने बड़े डाइटिशियन के पास भी गई थी तो भी मेरा हार्डली 3 kgs तक मैं पहुंची थी, 3 भी पूरा नहीं पहुंची थी मैं। और उसमें तो बहुत स्टार्वेशन था, बहुत ज्यादा। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तो सिर्फ नट्स एंड पीनट्स या ऐसा ही था। तो अभी पूरा दिन निकालना थोड़ा सा मुश्किल। बट जो बॉडी में चेंजेस है, जो खाने का जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब उसकी आदत हो गई। अगर मैं वो टाइम पे नहीं खाती हूँ तो मुझे ऐसे स्टमक में ऐसे, हाँ मुझे भूख लग गई है अभी, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है खाने का 5 बजे। कुछ काम के वजह से भी मैं थोड़ा फॉलो भी नहीं कर पाई हूँ। एंड फिर काम के स्ट्रेस की वजह से कभी कभी तो मैंने मॉर्निंग का भी आपका मिस किया है। तो नाउ आई रिग्रेट कि मैंने क्यों मिस किया है। पर अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मैं आपका और 90 डेज वाला लूंगी। मुझे और इंचेस मेरे कम करने, मेरे इंचेस भी काफी गए हैं।